तारीख को ही खोल दिया गया, जिस दिन पानी भी पानी दरियाओं में नहीं था उस दिन तो नाव भी टिकती थी, लेकिन अब थोड़ा पानी बढ़ा है। हालांकि अभी भी पीपा पुल चल सकता था, अभी पानी कोई ज़्यादा नहीं है। नाव ही एक सहारा है जिससे लोग आना जाना करते हैं। खतरा तो एनी टाइम डर लगता है। जो स्थिति देख रहे हैं सामने, सारे लोग आते जाते हैं, हर कोई को मतारी बहन किसी को आने जाने में सुविधा होती है। देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन और मैं हूं आपके साथ रजनीश यादव। देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं पटना सिटी के कच्ची दरगाह में। यह वही कच्ची दरगाह घाट है जहां पर कच्ची दरगाह से पीपा पुल होते हुए यह राघोपुर के लिए पीपा पुल जोड़ती है, और यह पीपा पुल जो है दो लेन का हुआ करता था। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं वो यह है कि दोनों पीपा पुल को खोल दिया गया है। कारण यह है कि गंगा का जल स्तर जिस तरह से तेज़ी से बढ़ रहा था, उसके बाद से जो है दोनों पीपा पुल को खोल दिया गया है, जिसके बाद जो आवागमन होता था इस पीपा पुल के सहारे दियारा वासियों के लिए यह सुगम में रास्ता माना जाता था यह पीपा पुल, और उस पीपा पुल को अब खोल दिया गया है, जिसके बाद से दियारा वासियों के लिए काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यह पीपा पुल एकमात्र रास्ता था जिसके सहारे से पटना सिटी कच्ची दरगाह होते हुए यह पुल जो है राघोपुर के लिए जोड़ता था, और राघोपुर के लिए यह पटना सिटी के लिए जोड़ता था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि यह दो लेन पुल जो है अप डाउन बनाया गया था आने और जाने के लिए, और इसी से दोनों ज़िलों को जोड़ने वाला यह रास्ता था, और दोनों ज़िलों के लोग जो हैं राघोपुर और पटना सिटी के लिए आते जाते थे। लेकिन अब स्थिति यह है कि यह दोनों पीपा पुल को खोल दिया गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यह पीपा पुल जो है पूरी तरह से खोल दी गई है, जिसके बाद नाव ही एकमात्र सहारा बच जाता है दियारा वासियों के आने जाने के लिए। ये देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो हैं नाव पर सवार होकर यात्रा कर रहे हैं और अपने गंतव्य यानी राघोपुर के लिए जा रहे हैं। एक सज्जन हैं, उनसे हम बात करते हैं। बताइए पीपा पुल कब खोला गया है? पीपा पुल तो खोल दिया गया आपको 28 तारीख को ही खोल दिया गया, जिस दिन पानी दरियाओं में नहीं था उस दिन तो नाव भी टिकती थी, लेकिन अब थोड़ा पानी बढ़ा है। हालाँकि अभी भी पीपा पुल चल सकता था, अभी पानी कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन खोल देने के कारण यहाँ तो नाव की ही समस्या है। और जो समस्या है वो देख रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं हर साल की। कैसे हो पाती है जब ये पीपा पुल खुल गया तो आवागमन के क्या साधन है? आवागमन का यही साधन है नाव पर। आप देखिए कि नाव की व्यवस्था है कि एक एक नाव पर आप देखिए तो 200 आदमी लोड होगा, किसी समय खतरा भी हो सकता है। ये तो शुरू से ही कहा जा रहा है कि किसी परिस्थिति में राघोपुर को ऐसा कोई विकल्प निकाला जाए जिससे कि आदमी को यातायात में सुविधा हो, लेकिन ऐसे तो सरकार इस पर कोई निगरानी रखती नहीं है। जिस समय जेठ बैसाख की बात होती है तो उस समय तो पानी कम रहता है, लेकिन अभी तो फ्लड का पानी रहेगा ना। इस समय बाबूने से रोगी आएगा, इमरजेंसी आएगी, ये सब चीज़ को देखते हुए इसका नाव ही एक सहारा है, यही तो है। कितना आबादी है राघोपुर की जो यह नाव से ही सफर कर? राघोपुर में करीब 2.5 लाख है, लाख आदमी तो आन जान दिल्ली का है। तो यही एकमात्र बस यही नाव सहारा है। नाव ही एक सहारा है जिससे लोग आना जाना करते हैं। खतरा तो एनी टाइम डर लगता है। जो स्थिति देख रहे हैं सामने, सारे लोग आते जाते हैं, हर कोई को मतारी बहन किसी को आने जाने में सुविधा होती है। कौन चाहता है कि हम नाव पर आके चढ़ के आए या जाओ, खतरा में है, पानी में है, पानी है, बाढ़ से बारिश हुआ उस पर भीग जाना, तबीयत खराब हो जानी, ये सब चीज़ तो होता ही है ना। अब देखिए वो नाव जा रहा है, सामने में देखिए पीपा पुल में टकराएगा, तभी तो पानी कम है। तो यही सब समस्या है, ऐसी समस्या हर साल का है, हर सब दिन हम लोग यही झेलते रहते हैं। तो चलिए ये थे राघोपुर के रहने वाले लोग, उनसे हम बात कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि पीपा पुल के खुल जाने के बाद आवागमन की क्या स्थिति होती। तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि करीब 2.5-3 लाख से ऊपर की जनसंख्या राघोपुर में अपना ज़िंदगी गुजर बसर करती है, और यह एकमात्र रास्ता पीपा पुल के माध्यम से उनका आना जाना होता है। लेकिन अब यह पीपा पुल जो है पूरी तरह से खोल दिया गया है, जिसके बाद नाव ही एकमात्र सहारा दियारा वासियों के लिए बच जाता है। तो इसी नाव से जो है वो
जिंदगी और मौत के बीच जद्दोजहद करते हुए सफ़र करना शुरू कर देते हैं। हम आगे आने वाले वीडियो में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से नाव पर ओवरलोडिंग कर खतरों से वो खेल कर वो अपने गंतव्य यानी कि दियारा में पहुंचते हैं, और उस वो सारी स्थिति हम आपको आगे आने वाले वीडियो में दिखाएंगे। हमारे साथ आप बने रहेंगे, आप देखते रहें न्यूज़ 4 नेशन। दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार।